हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 7 to 8 ईयर गर्ल के लिए ये डिज़ाइनर गाउन बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और 2 मीटर यहाँ पे मैंने ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। इसकी लेंथ है 13 इंच। यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 6 इंच। आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंच और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट, तो मैं ले रही हूँ 7 इंच। यहाँ पे हम लेंगे वेस्ट का 4th पार्ट, तो मैं ले रही हूँ 6 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम नेक के लिए निशान लगाएंगे, तो नेक की विथ में रख रही हूँ 3.5 इंच और डीप में रख रही हूँ 3 इंच। यहाँ पे मैं बॉटनेक बना रही हूँ। अब शोल्डर से हम 1/2 इंच डाउन करके इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। अब जॉइंट वाली साइड से हम 1/2 इंच का गैप रख के हमारे फ्रंट पार्ट को रखेंगे। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का गैप रखा है। अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। टू एंड हाफ इंच पे बैक नेक का निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे साइड ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, ये हमारा बैक पार्ट ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा के हमारे बैक नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। और इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जो ओपन वाली साइड है, वहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ हल्का सा राउंड में निशान लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये मेरी जॉइंट वाली साइड है। इसकी लेंथ है 9 इंच और विथ है 7.5 इंच। अब 2.5 इंच हम नीचे की तरफ निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा के हम स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ बॉटम पे हम स्लीव राउंड का 1/2 लेंगे। मैं ले रही हूँ 4 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे हम कॉल स्लीव बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे और डीप हम रखेंगे 1.5 इंच। अब हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब इसे ओपन करके हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। अब हम फैब्रिक को कॉर्नर से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे।
इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड हो चुका है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी जॉइंट वाली साइड है। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। कॉर्नर से हमें 9.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन पे हमें हमारा कमर का माप लेना है। जो कमर का माप हमने हमारे टॉप पार्ट पे लिया था वही माप हम यहाँ पे लेंगे। 6 इंच हमने कमर के लिए निशान लगाया था और 1.5 इंच हमने उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया था। अब हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी फुल लेंथ में से हम टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारी बॉटम पार्ट की लेंथ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 28 इंच। अब 28 इंच की लेंथ लेके हम पूरे राउंड में निशान लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये हमारी दो ओपन साइड है और एक ये जॉइंट वाली साइड है, इसे हम कट कर लेंगे। अब हम लाइनिंग को हमारे मेन फैब्रिक पे रख के उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। अब इसे हम कॉर्नर से पकड़ के ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। और इसके ऊपर हमारी लाइनिंग को हम सेट करेंगे। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग को हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए और पूरे राउंड में इस 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसकी ये जॉइंट वाली साइड को हम कट कर लेंगे। ये हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रखे हैं और इसके ऊपर हम हमारी स्लीव को सेट करेंगे और इसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए स्लीव मैंने कट कर ली है। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की साइड पे हम कट का निशान लगा देंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम हमारे फ्रंट और बैक पार्ट को भी फैब्रिक पे सेट करके पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसे इसी शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस पट्टी से ये पाइपिंग तैयार की है। पे हम अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। जो हमारे नेक का शेप है उसी शेप में हमें पाइपिंग लगानी है यहाँ पे। दोनों साइड हम कट लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम हमारे लाइनिंग को रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए मैंने पिन से इसे सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक बुट का मार्जिन लेके पूरे नेक पे सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए मैंने पूरे नेक पे सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। दोनों कॉर्नर पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम लाइनिंग को अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने टॉप स्टिच लगा ली है और अंदर से देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। सेम इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी तैयार करना है। अब हम लाइनिंग को ज्वाइन कर लेंगे और स्लीव तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से पाइपिंग लगाएंगे जिस तरीके से हमने नेक पे लगाई थी। इसके ऊपर अब लाइनिंग को सेट करेंगे। ये देखिए हमारे दोनों फ्रंट आर्म होल मिलने चाहिए, लाइनिंग के भी मेन फैब्रिक के भी। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और बॉटम की तरफ पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। अब इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग भी लग चुकी है और हमारी बॉटम भी फोल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे टॉप पे हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी स्लीव को भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है। तो ये देखिए हमारी स्लीव तैयार हो चुकी है। अब हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा टॉप पार्ट है और ये हमारा बॉटम पार्ट है। दोनों की राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और इसके ऊपर हम हमारी लाइनिंग को रखेंगे। तीनों को एक साथ हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बॉटम पार्ट है, इसके ऊपर हमने हमारे टॉप पार्ट को रखा है और उसके ऊपर हमने हमारी लाइनिंग को रखा है। अब तीनों को हम इस तरीके से पकड़ के सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम हमारी लाइनिंग को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो ये देखिए ये जॉइंट हो चुका है फिनिशिंग के साथ। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है अंदर की तरफ। सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को भी तैयार किया है। अब बैक साइड पे हम जिप अटैच करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे देखिए 8 इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर से इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिप ली है जिसे मैंने सेंटर से कट किया है।
अब इस स्ट्रिप को हम यहाँ पे रख के सिलाई लगाएंगे। तो देखिए स्ट्रिप को मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ कॉर्नर पे हम एक कट लगा लेंगे और इसे अंदर की तरफ हम इसे टर्न कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे टॉप पे एक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अंदर की तरफ टर्न करके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम यहाँ पे जिप अटैच करेंगे। तो मैंने जिप को ओपन कर लिया है और एक साइड से हम इसे पहले अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए हम किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं। जिप को हम बंद कर देंगे इस तरीके से। ऊपर से दोनों पार्ट बराबर करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी जिप जो है वो अटैच हो चुकी है। अब हम दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। यहाँ सेंटर से हम दोनों तरफ 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव के फ्रंट पार्ट को और टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट को आमने सामने रखा है इस तरीके से। अब हम यहाँ से इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने स्लीव अटैच कर ली है। ये जो ओपन साइड है इसे हम इस रेफ पट्टी से कवर कर लेंगे। हम यहाँ से इसे सिलना अटैच करेंगे और पूरी स्लीव में इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इस पट्टी को अटैच किया है। अब इसे हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी स्लीव अटैच करनी है। तो मैंने दोनों साइड स्लीव अटैच कर ली है। फिर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। देखिए ये हमारी कमर का जो जॉइंट है वहाँ से हम 5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें चारों पार्ट को साथ में सिलना है और इसके बाद हम इन्हें अलग अलग कर देंगे। अब देखिए यहाँ तक मैंने इन्हें साथ में सिला है। अब हम लाइनिंग को अलग कर देंगे। पे कट लगा लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हम हमारी लाइनिंग को ज्वाइन कर लेंगे।
तो देखिए दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम बॉटम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें पहले सिंगल फोल्ड करना है, फिर इसे हम डबल फोल्ड कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम मेन फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो गाउन है वो रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।